Assalamualaikum, hello everyone and welcome back to my channel. तो आज के ब्लॉग में मैं एक प्रोडक्ट की रिव्यू करूंगी और वो प्रोडक्ट है हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है वैक्यूम क्लीनर. तो वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और उसके बिना मुझे लगता है कि जितनी भी आप सफाई कर लें मगर घर साफ नहीं लगता है. आज जिस वैक्यूम क्लीनर का मैं रिव्यू दूंगी उसका नाम है हूवर विंड टनल हाई कैपेसिटी. अभी तक मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे ब्रांड्स के वैक्यूम क्लीनर यूज करे हैं. मैंने एलजी का यूज किया है, बिसेल का किया है, पैनासोनिक का किया है और मैंने फिलिप्स का भी वैक्यूम क्लीनर यूज किया है. बस एक वैक्यूम मैंने अभी तक नहीं यूज किया है जो कि है रोबोटिक वैक्यूम. मोस्ट प्रोबेबली आगे जाकर तो मे बी मैं वो भी ट्राई करके देखूंगी कि वो कैसा है. लेकिन अभी तक जितने भी मैंने वैक्यूम क्लीनर्स ट्राई करे हैं उन सब में मेरा करंट फेवरेट ये वाला है जो अभी मेरे पास है. ये हैंड हेल्ड अपराइट वैक्यूम है. ये इसका ऑन एंड ऑफ करने का बटन है यहाँ पर. इसके साथ हमें दो तीन टूल्स भी मिले हैं जैसे कि एक ये है पेट अपहोल्स्ट्री टूल, यानी कि अगर आपके पास पेट्स हैं तो उसके लिए ये अच्छा रहता है और अगर पेट्स नहीं भी हैं तो यूजुअली कभी कभार बच्चे भी काफ़ी डर्टी कर देते हैं सोफाज़ वगैरह को, तो आप उससे इसको क्लीन कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है ये डस्टिंग ब्रश. इसको आप एक्सटेंडेबल 12 फीट पाइप के साथ अटैच कर लें और इससे फिर आप अपनी वॉल्स पे डस्टिंग कर सकते हैं. कॉर्नर्स तक भी चले जाता है ये और कहीं अगर स्मॉल स्पेसेस हैं तो उसमें भी चला जाता है. इसके अलावा है ये क्रेविस टूल और ये टूल नैरो स्पेसेस हैं या बहुत ही पतली सी जगहें हैं जहाँ तक आपका प्रॉपर वैक्यूम नहीं जा पा रहा है तो आप उससे ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डर्ट होती है उसको ये बहुत अच्छे से पिक कर सकता है. इसमें 5 लेवल के हाइट एडजस्टमेंट बटन्स हैं कि अगर शैग्स हैं यानी जो थिक कारपेट्स होती हैं उनके लिए आप इसको हाई पे सेट कर सकते हैं और अगर लो कारपेट है तो आप उस हिसाब से लो पे सेट कर दें और अगर हार्डवुड फ्लोर है या टाइल्स हैं तो आप उसके हिसाब से उसी पे सेट करके वैक्यूम कर सकते हैं ईजिली. नीचे एक छोटा सा पैड दिया हुआ है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वैक्यूम का हैंडल आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. लीटर कैपेसिटी का डर्ट कप है इसका, यानी कि अच्छा खासा गार्बेज या लिटर इसमें आ सकता है और बार बार आपको इसको एम्प्टी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आप हर यूज़ के बाद इसको एम्प्टी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, इसके फिल्टर के लिए अच्छा रहता है. और एक और अच्छी बात इसमें यह है कि जो इसका फिल्टर है वो रिंसेबल है, यानी कि आप इसको वॉश कर सकते हैं जो कि यूजली आजकल हर वैक्यूम में ऐसा होता है, तो इट्स अ गुड थिंग. जो नॉर्मल वैक्यूम्स होते हैं उससे आप प्रॉपर कारपेट क्लीनिंग नहीं कर सकते. मेरे पास जो वैक्यूम है वो एक नॉर्मल स्मॉल कैनिस्टर वैक्यूम है, वो डर्ट डेविल है उसका नाम, और मैं उससे ऑलमोस्ट मैं वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार वैक्यूम ज़रूर कर लेती हूँ. उसके बाद भी जब मैंने ये वाला वैक्यूम फर्स्ट टाइम अपनी कारपेट पर चला कर देखा तो इतनी ज़्यादा डर्ट निकली कि मैं ख़ुद भी हैरान हो गई थी कि कितनी डर्ट मेरी कारपेट में थी, वो भी इतना ज़्यादा क्लीन करने के बाद. जो पाइल कारपेट्स होती हैं या शैग्स होते हैं इस तरह की कारपेट्स के लिए पावरफुल वैक्यूम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वरना हमको ऐसा लग रहा होता है कि हम उनको क्लीन कर दे रहे हैं मगर वो क्लीन नहीं होते क्योंकि उनका सक्शन इतना पावरफुल होता नहीं है. इसकी सक्शन पावर इतनी अच्छी है, इसको वैक्यूम करने के बाद आपकी जो कारपेट्स होती हैं वो एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप न्यू कारपेट खरीदी है और लाकर अभी अभी आपने बिछाई है. तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी डस्ट निकली है जब मैंने फर्स्ट टाइम आप पे इस शैग के ऊपर ये वैक्यूम रन किया. और इसमें एक परफॉर्मेंस चेक इंडिकेटर भी है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है वैक्यूम में या फिल्टर क्लीन नहीं है तो वो जो इंडिकेटर है उसका वहाँ पे कलर रेड हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओवरऑल मेरा रिव्यू इस वैक्यूम के लिए ये है कि मैंने अभी तक जितने भी वैक्यूम्स यूज़ करे हैं अपनी लाइफ में तो ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट वैक्यूम है. हो सकता है इससे भी अच्छे वैक्यूम्स होंगे मार्केट में, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए जो मैंने यूज़ करे हैं उन सब में मिलाकर मुझे सबसे बेस्ट वैक्यूम अभी तक का ये लगा है.
इसकी प्राइस है अराउंड $250, लेकिन मुझे ये ऑफ़र पे मिला था फॉर $99, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये मैंने उस दिन ख़रीद लिया था, बिकॉज इट हैज़ मेड माई लाइफ सो ईजी. अब जब भी मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ तो मुझे एक खुशी होती है और मुझे एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरा घर सच में क्लीन हो गया है. तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने इस रिव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचा दी होगी, एंड आई होप कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको कौन सा वैक्यूम लेना है. इंशाल्लाह मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में. जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.